गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है देवांशु और आप देख रहे हैं टेकी दादा। और आज की वीडियो में समझाने जा रहा हूँ कि आप गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों, इसमें तीन पार्ट्स हैं। पहली बात तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कैसे करेंगे शूट वीडियो या फिर गेम्स को, और थर्ड है कि आप उसको स्ट्रीमिंग कैसे करोगे यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं प्रोफेशनल स्ट्रीमर नहीं हूँ। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टडी करी है, रिसर्च करी है, ट्रायल्स करे हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बीच बीच में लाइव स्ट्रीम के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अपने चैनल पर, आप लोगों को दिखता नहीं क्योंकि मैं उसको प्राइवेट रखता हूँ या फिर अनलिस्टेड रखता हूँ। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, चलते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, राइट आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं कि आप वही सब लें। आप थोड़ा बहुत कट पीट कर सकते हैं, कम ले लें, कुछ ज़्यादा ले लें, पर जो मैं बेसिक्स एक चीज़ें बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप उसमें मॉडिफिकेशन आपकी खुद ही कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ें लेनी है, वही चीज़ लगानी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं। पर मैं एक आइडिया देने के लिए सबको एक नॉर्मल कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। रिक्वायरमेंट नंबर वन, सिस्टम। चलते हैं सिस्टम बिल्ड की तरफ। मैंने अमेज़ॉन पे आप लोगों के लिए एक सिस्टम बिल्ड बनाया है, तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से एक बहुत पावरफुल सिस्टम है जो कि गेम सारे चला सकता है और स्ट्रीमिंग केपेबल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्ट्रीम कर सकता है, तो आप इस पार्ट को जल्दी से स्किप कर दीजिए और आगे चल जाइए हमारे रिक्वायरमेंट टू के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ अपने अमेज़ॉन कार्ट में, और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सिस्टम बिल्ड किया है जो कि नॉर्मल एक किसी भी स्ट्रीमर के पास होना चाहिए मिनिमम। आप इससे भी लो जा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। CPU के मैंने चूज़ किया है i5 8600 नॉर्मल विदाउट के वाला एडिशन, जो कि आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। इसको आप स्टॉक कूलर के साथ यूज़ करेंगे जो कि आपके बॉक्स के साथ आता है। मदरबोर्ड मैंने यूज़ किया है Strix B360F Gaming Asus की तरफ से। ग्राफिक कार्ड के लिए मैंने चूज़ किया है GTX 1060 6GB फिर से Asus की तरफ से। और रैम के लिए हमने चूज़ करी 16GB की किट 24MHz की, जो कि है HyperX Fury। और एक SSD ली है हमने जस्ट स्पीड बढ़ाने के लिए, सिस्टम की जो बूट टाइम्स है वो बढ़ाने के लिए। मैं SSD ली है 250GB की। अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक 2TB की WD ब्लू हार्ड डिस्क। 2TB मैंने क्यों दिया है, क्योंकि कुछ स्ट्रीमर्स जो होते हैं वो अपने स्ट्रीम को सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो उसके लिए 2TB तो चाहिए, क्योंकि स्ट्रीम्स बहुत लंबी होती हैं और उनका डेटा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप उसको 2TB में आराम से सेव कर सकते हैं। अगर आपको और चाहिए तो आप और लगा सकते हैं फ्यूचर में। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम पावर सप्लाई है हमारे पास CX650 550W की। ये पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए बहुत है, 550W काफ़ी है सिस्टम के लिए। और केस के लिए हमने नॉर्मल कॉर्सर कार्बाइड स्पेक 1 लिया है, ये थोड़ा सस्ता पड़ा था, मैंने ये डाल दिया। और मॉनिटर अगर आपके पास नहीं है तो आप BenQ के GW2470HL ले सकते हैं। और इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दो मॉनिटर लीजिए। यस, दो मॉनिटर्स क्यों? एक मॉनिटर से आप गेम खेलोगे और एक मॉनिटर से आप अपनी जो स्ट्रीम है उसको मॉनिटर करोगे, आपकी स्ट्रीम कैसे सही से चल रही है या नहीं चल रही है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप सेकंड मॉनिटर भी उसको देख सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि आप दो मॉनिटर ही लें, आप एक मॉनिटर से बार बार शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी सिस्टम से गेमिंग वगैरह में। और अगर आपको गेम स्ट्रीम करना है जिसके ऊपर ये वीडियो है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एलगाटो गेम कैप्चर, जो कि मैंने आपको बताया था। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, पर कुछ दिनों पहले ये 10,000 से 12,000 के बीच बिक रहा था। और अगर आपको फेस कैम करना है, जैसे कि मैंने बताया था Logitech C992 Pro स्ट्रीम कैमरा, तो ये सबसे बेस्ट है। आपको अगर माइक माउंट करना है, अगर आपके माइक में स्टैंड नहीं है, तो आप ये स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता स्टैंड है, 500 रुपये का। अगर आपके माइक में बहुत ज़्यादा विंड की आवाज़ आती है, पंखा उनका चलाते हैं आप, जैसे कि मैं चला कर रखता हूँ, तो आपके लिए पॉप फिल्टर बहुत सही है। तो आपके जो माइक में पुफ पुफ करके जो आवाज़ आती है, एक तो वो बंद हो जाएगी और आपके जो विंड की आवाज़ है वो भी बंद हो जाएगी माइक में आना। कीबोर्ड नहीं है तो आपको ये वायरलेस माउस कीबोर्ड दे रहा हूँ मैं। अगर आपके टेबल पे दो मॉनिटर्स रखने की जगह नहीं है, जैसे कि मेरी छोटी सी टेबल है, मैं उस पर दो मॉनिटर्स नहीं रख सकता 24 इंच के, तो आप एक ये स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। इससे आप दो मॉनिटर्स एक ही स्टैंड पे लगा सकते हैं अपने मॉनिटर्स को इसके पीछे, देख सकते हैं आप इसमें, तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो अगर आप दो मॉनिटर्स का यूज़ कर रहे हैं और आपकी टेबल छोटी पड़ रही है उसके लिए, तो जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं अभी अपने अमेज़ॉन में, आपको सबकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको जाके खरीद सकते हैं, आपको बेस्ट डील मिल जाएगी, ये सिस्टम आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ है हमारी माइक। अगर आप अपने स्ट्रीम में कुछ बोलना चाहते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, हर कोई बोलना चाहता है, कुछ ना कुछ अपने स्ट्रीम पर दिखना भी चाहता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे माइक।
तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो खुद का मैं जो माइक यूज करता हूँ ब्लू स्नोबॉल आइस उसका लिंक डाल दिया है। तो दोस्तों कुछ यूएसबी माइक्स हैं जो मैंने अच्छे अच्छे डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ पे, वो है हमारा वेबकैम। तो वेबकैम आपको चाहिए क्यों? आपको फेस कैम करना है, आपको अपनी शक्ल दिखानी है, आपका रिएक्शन दिखाना है। तो दोस्तों अगर आपको एक वेबकैम चाहिए तो लॉजिटेक का C922 सबसे बेस्ट है मार्केट में अभी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। बहुत यूट्यूबर्स उसको यूज़ करते हैं एक्चुअली में। तो दोस्तों उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एक और रिक्वायरमेंट है हमारा नेट कनेक्शन, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करनी है तो आपको नेट कनेक्शन चाहिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रॉडबैंड लीजिए। ज़्यादातर लोग अभी जियो पे देख रहे होंगे, शायद कॉमन सी बात है, जियो ने तहलका मचा दिया है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लीजिए। मिनिमम स्पीड आपकी 10 Mbps होनी चाहिए अपलोड की और डाउनलोड की, क्योंकि आपका 1080 9 kbps बिट रेट पे लाइव स्ट्रीम करना आपको 10 Mbps तो मिनिमम चाहिए होगी, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है फुल HD में। तो दोस्तों सेकंड पार्ट हमारी वीडियो का कि हम स्ट्रीम कैसे करें या रिकॉर्ड कैसे करें, उसके लिए मैं एक ही छोटा सा वेबकैम लेके आया हूँ। ये लोकल तो नहीं, आईबॉल का सड़ा सा कोई वेबकैम है जो मेरे पास बहुत पहले से पड़ा है। साथ में मेरा जो यूएसबी माइक है मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। चलो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लाइव स्ट्रीम की सेटअप दिखा के। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर भी OBS खुला हुआ है, ये आपका ब्रॉडकास्टिंग या फिर रिकॉर्डिंग या फिर स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये फ्री है पर थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, तो मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा समझाने में। दोस्तों जब आप इस OBS को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा खुलते हुए। अब आप देख सकते हैं कि मेरा माइक आपको यहाँ दिख रहा चलता हुआ। सीन ऐड करना है, स्क्रीन सीन जो भी है, सीन 1 डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके पहले से एग्जिस्ट करता था, 2 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को सोर्स डालना है, सोर्स मेरे को डालना है। अगर आपके पास वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है तो आप उससे डाल दीजिए, जैसे कि आपके पास अगर वेबकैम है, जैसे कि मैंने अभी ये लगा रखा है, हेलो मैंने वेबकैम लगा रखा है अपना, वो जो आपको दिखाया था मैंने पहले, तो आप उस हिसाब से अपनी सेटिंग्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। FPS वगैरह ये तो लॉक्ड है क्योंकि मैंने अभी 30 पे लॉक कर रखा है इसको, तो जो भी है आप रेजोल्यूशन वगैरह इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइज़ छोटा करना है तो आप इसको ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और इसका हैंडल पकड़ो और छोटा छोटा बड़ा कर दो इसको। अब मेरे को करना है गेम कैप्चर, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक और चीज़, तो कहेंगे गेम कैप्चर, ओके। तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा गेम ऐड करके, अभी मैं गेम ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा माइक यहाँ पे है, अगर आपको माइक यहाँ पे ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड कीजिए ऑडियो इनपुट कैप्चर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओके दबाइए। मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वॉइस मीटर करके, तो उससे मेरा जो क्वालिटी है ऑडियो का थोड़ा और बढ़ जाता है। पर मेरा माइक जो है आप देख सकते हैं, ये रहा माइक्रोफोन ब्लू स्नोबॉल, पर आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं तो क्वालिटी और बढ़ जाएगी आपकी ऑडियो की उससे, ठीक है। दोस्तों तो मैं एक आपको गेम स्टार्ट करके दिखाता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, सेटिंग्स क्या रखनी है। तो हम फाइल पे गए यहाँ सेटिंग्स, तो अब पहले सबसे पहले हम जाएंगे वीडियो में। वीडियो में आपका जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1080, तो मैंने इसको भी 720 पे सेट कर रखा है क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा था 2 बार OBS चलाने पे। तो वो क्या रहा है, एक OBS से अब मैं अपने स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ और एक OBS आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये डिसेबल एरो पे पहले क्लिक कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी परफॉर्मेंस और मिल जाए सिस्टम से। ये FPS है जिस पर आपको रिकॉर्ड करनी है, अगर आप Elgato HD60 यूज़ कर रहे हो और उसको 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हो, अब 60 यहाँ पे रखो। अभी तो मैं 30 कर रहा हूँ तो मैं 30 पे रखता हूँ उसको। 720 पे कर रखा है मैंने, पर आप इसको 1080 पे रखें जब आप स्ट्रीम कर रहे हैं। तो अगर हम आउटपुट पे जाएं नेक्स्ट, तो हमको बिट रेट सेट करना है। दोस्तों अगर आप 1080 पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपका वीडियो बिट रेट 4500 से लेकर 9000 kbps होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2500 रख रखा है क्योंकि मेरी नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। बाकी अगर हम आउटपुट में देखें तो सॉफ्टवेयर ये तो हमको छेड़ना नहीं है। ऑडियो बिट रेट 120 या फिर 128 kbps बेस्ट मानी जाती है ज़्यादातर समय। हमको रिकॉर्डिंग में अभी जाना नहीं क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वीडियो को अभी, तो हम स्ट्रीम पे चलते हैं लास्टली, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं अलग अलग, कस्टम स्ट्रीमिंग सर्विस, तो हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे सर्विसेज में हम डालेंगे YouTube और YouTube गेमिंग, क्योंकि हमको YouTube पे करना है, ठीक है। तो YouTube प्राइमरी सर्वर इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालना स्ट्रीम की, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रीम की कैसे मिलेगी आप। तो आप अपने YouTube चैनल पे जाइए, ये खोला आपने चैनल, उसके बाद आपको कॉर्नर में आपका जो लोगो है वो दिखेगा, उस पर आप क्रिएटर स्टूडियो क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद आपका क्रिएटर स्टूडियो खुलेगा जो कि YouTube का एक डैशबोर्ड टाइप्स होता है। तो आप उसमें लाइव स्ट्रीम में जाएं,
लाइव स्ट्रीम में जाने के बाद स्ट्रीम नाउ इवेंट्स कैमरा ये सब आएगा आपका, तो स्ट्रीम नाउ पे हम रहेंगे क्योंकि हमको अभी अब गेम अपना स्ट्रीम करना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पे अपना ये मिल जाएगा स्ट्रीम नेम स्लैश पी, तो आप उसको रिवील करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, उसको वापस हाइड कर देंगे। तो दुष्ट बुद्धि जो जो तुम सोच रहे हो ना कि स्ट्रीम की मिल गई तुम्हारी और हम तुम्हारे चैनल में स्ट्रीम करेंगे, भूल जाओ ठीक है ना, मैं चेंज कर दूंगा स्ट्रीम की। तो मैंने इसको कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आपको यहाँ दिख रहा है मेरी स्ट्रीम की दिख रही है, तो मैं इसको हाइड कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्लाई किया, ओके ठीक है। अब यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में राइट साइड में आपको दो बटन दिखेंगे, स्टार्ट स्ट्रीम और स्टॉप रिकॉर्डिंग या स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे जाएंगे, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो आप यहाँ पे हैं अपने डैशबोर्ड पे यूट्यूब के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत टाइटल डाल दिया यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन डाल दिया यहाँ पे आपने। अगर आपको शेड्यूल करना है कि हमें 9 बजे रिकॉर्ड लाइव आना है तो आप डाल दीजिए रात का, ये 9 बजे, कैटेगरी गेमिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेमिंग गेम का टाइटल डाल दीजिए पबजी, ठीक है, प्लेयर्स एंड बैटल ग्राउंड। तो लोगों को यूट्यूब गेमिंग पे आपको ढूंढने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्राइवेसी आपको पब्लिक रखनी है, मैंने यहाँ पे प्राइवेट या अनलिस्टेड कर रखी है क्योंकि मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैंने लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो हमारा ये सब हो गया है, अब हम स्ट्रीम ऑप्शंस में देखेंगे DVR, नॉर्मल लेटेंसी। मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि नॉर्मल लेटेंसी पर रखें जिससे कि लोगों को जो क्वालिटी है स्ट्रीम की वो बेस्ट मिले। और डिले आप 60 सेकंड रखें, तो इससे होगा क्या कि आप जो स्ट्रीमिंग चालू करोगे अपने सॉफ्टवेयर से तो उसके 1 मिनट बाद आपकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी। अभी यहाँ पे आपको ऑफलाइन दिख रहा है ऊपर, तो अभी उसको ऑनलाइन में हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करेंगे स्टार्ट स्ट्रीमिंग, हो गया स्ट्रीमिंग स्टार्ट, और कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन दिखेगा क्योंकि हमने 60 सेकंड का डिले मार रखा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ वीडियो आने में। स्टार्टिंग तो आ गया मतलब कि यूट्यूब को डेटा मिलना शुरू हो गया, पर वो 1 मिनट बाद आपका स्ट्रीम स्टार्ट करेगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि गेम कैप्चर कैसे स्टार्ट करना है। तो आप अपने जो भी गेम है उसको स्टार्ट कर लीजिए पहले। तो गेम स्टार्ट होने के बाद अपने OBS में जाइए वापस से, आप गेम कैप्चर पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो स्पेसिफिक विंडो है उस पर जाओ और विंडो में आप अपने गेम को स्टार्ट कर लो और ओके दबा दो। तो आपका गेम जैसे स्टार्ट होगा आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। हमारा गेम यहाँ स्टार्ट हो गया है, तो आपको दिख रहा है ये साइज़ जो भी है इसका, इसको मैं खींच के थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ये है कि मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना जो डिस्प्ले आपके सामने चेंज किया था, पर आप अगर 1080 पे करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो लाइव स्ट्रीम वो 4 मिनट से चल रही है, आप देख सकते हैं एक व्यूवर है जो कि मैं खुद ही हूँ, अपने आपको यहाँ देख रहा हूँ। मैं म्यूट कर रखा है मैंने इसको अभी। तो आप जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको अपनी लाइव स्ट्रीम पर ऐड चलाना है तो आप यहाँ से ऐड चला सकते हैं, कुछ हाईलाइट बनाना है तो हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं, आपके चैट्स यहाँ पर आ जाएंगे सारे। तो ये हमारा लाइव स्ट्रीम चल रहा है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, गेम स्टार्ट हो गया मेरा, वहाँ पे 1 मिनट का लैग है थोड़ा सा क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रीम ऑप्शन में इसको 60 सेकंड का दे रखा है लेटेंसी, डिले दे रखा है। तो दोस्तों ये थे मेरी गाइड ऑन लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल या पसंद आई हो तो लाइक देना ना भूले। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप आज दादा के नाम से मेरे कमेंट या किसी भी सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल नहीं लगी तो इस वीडियो को डिसलाइक मार के कमेंट्स बताएं कि आपको क्या कमी लगी। दोस्तों मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं ऐसे नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ और मेरा वीकली Q&A सेशन होता है। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप उसको आज दादा के हैशटैग से उनको मेरे कमेंट्स पर डाल सकते हैं, मैं उनको अगले वीकली Q&A में जरूर से आंसर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मेरा नाम है देवांश और आप देख रहे थे थैंक यू दादा, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गुरे। सिंचन देखते थे क्या आप? ये देखते हो।